एवरेज कितना बन जाता है पैकेजिंग में अगर लड़का काम करता है आपके लिए ओवर टाइम के साथ, इंडियन एवरेज जैसे 1 से 2 लाख रफली कितनी बन जाता है उनका पैसा यहाँ पर? जो स्टार्टिंग रेट अच्छा बताओ रफली यहाँ पर कितना पैसा बन जाता है जब आप एवरेज काम करते हैं? बिटवीन 1 to 2 lakh, 2 to 3, जस्ट एवरेज। और सारे बच्चों ने कहा कि सर जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पता कीजिए कि वहाँ के सुपरमार्केट में क्या हमें वर्क वीजा मिल जाता, क्या वहाँ के मैनेजर रिक्रूट कर रहे हैं, क्लीनर, कैशियर को, वेयर हाउस, फोकलिफ्ट ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, आप नाम लीजिए वो सारे रिक्रूट कर रहे हैं। जी हाँ, मैं गया हूँ एक टॉप क्लास सुपरमार्केट और वहाँ की ओनर 2004 में यहाँ पर आई हैं, हमारे पंजाब से हैं और उन्होंने कहा है कि उनको बहुत से लड़के लड़कियाँ चाहिए और वो एक नया स्टोर खोलने जा रहे हैं न्यूजीलैंड। उनकी 3 शॉप्स हैं और उनकी शॉप जो सुपर सबसे ऊपर है, चलिए चलते हैं उनकी शॉप पर, डिस्कस करते हैं वहाँ के एम्प्लॉयर से और मैडम से पूछते हैं और उन्हें कैसे अपने 3 सुपर यहाँ पर खोल दिए और किस तरह आम गरीब बच्चों की हेल्प कर सकते हैं इंडियन आने के लिए। पर गाइस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, जो वीडियो को लाइक और कमेंट करेगा उसकी जो फ्री एंट्री है वो मेरे साथ यूएसए ट्रिप में जाएगा। चलिए वेलकम करते हैं मैम को। मैम जो सुपरमार्केट में काम करती है एज ए कैशियर काम करती है, मैम पहले बताएं आपका नाम क्या है और आप इंडिया कहाँ से हैं? हाँ जी, मेरा नाम है सिमरन। ओके, मैं इंडिया से पटियाला से हूं। पटियाला से हो? आपकी जर्नी न्यूजीलैंड में कब शुरू हुई थी, आप कब आई थी फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड? ओके, मैं फर्स्ट टाइम आई थी इन 2015। ओके, 2015 में आई थी आप? उस मैं आई थी एज अ स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा, तो आपके पास नियरली 8 और 9 साल का एक्सपीरियंस है न्यूजीलैंड का। तो आप सीधे इंडिया से न्यूजीलैंड, किसी और कंट्री पहले नहीं गए थे ट्रैवल में? फर्स्ट टाइम मैं न्यूजीलैंड में आई। कौन सा कोर्स स्टडी करने के लिए यहाँ पर आए थे? मैं आई थी लेवल 7 बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, कितने साल का कोर्स था आपका रफली उस टाइम? कितने पैसे लगे थे इंडिया से रफली उस टाइम? उस टाइम आईएलटीस नहीं देना पड़ता? 22 लाख, लेकिन आईएलटीस किया था। दोस्तों आपको दिखा दूं, मैम यहाँ पर काम करते हैं, मैम के यहाँ पर बहुत चलती है बिकॉज मैम बहुत हार्ड वर्किंग है और इनके ओनर ने स्पेशली मुझे यही लड़की दी है, कहते हैं सबसे बेस्ट है इंटरव्यू देने के लिए, इसका एक्सपीरियंस भी है। तो आपने स्टडी वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कैसे किया, क्योंकि 2015 में स्टडी की उसके बाद कैसे कन्वर्ट किया? 2015 में स्टडी की, फिर मैंने यहाँ पे जॉब ली मुझे, क्योंकि मुझे सुपर मार्केट मिली। ओके, तो मैंने वहाँ पे एज अ चेकआउट ऑपरेटर ज्वाइन किया। ओके, और उसके बाद मैं जॉब सर्च पे गया। जॉब सर्च पर गए? हाँ जी, जॉब सर्च पे मैंने वहीं पे काम किया। इनके पास मतलब आपका कहना है कि इनके पास लाइसेंस है स्पॉन्सरशिप करने का, अगर कोई राइट कैंडिडेट यहाँ पर है इनके लिए काम, चाहे इंडिया से करना चाहता है चाहे न्यूजीलैंड में ऑलरेडी है, अगर उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, सब कुछ अच्छा है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने देखा आपके बॉस के, मेरे भी कल मिला था मुझे, उन्होंने काफी फ्रूट्स गिफ्ट भी किए, बहुत अच्छे हैं वो। उनकी 3 शॉप है ना, 3 शॉप्स हैं, बताओ उनको पब्लिक को उनकी 3 शॉप। देखिए उनकी, मैं पहले पापा टर्म में किया था, उसके बाद मैंने फ्लैट पुश में किया, अब भी हो सकता है कि पापा ग्राम में भी करूं। हाँ, थर्ड हाँ जी, क्योंकि थर्ड वो है और इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, एक्चुअली मेरे हर एक पार्ट ऑफ लाइफ में इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। इनका नाम है सुरजीत सिंह एंड इंद्रजीत सिंह, दोनों ने पूरा सपोर्ट किया, बोल सकते हैं कि एज अ फैमिली मेंबर है सभी जन सब लोग। आपके लिए बहुत, और लड़के लड़की कितने लड़के काम करते हैं शॉप में? 10 से 12 तो मैंने कल भी देखे थे ना। हाँ जी, यहाँ पे काफ़ी लड़के काम करते हैं और लड़कियों की जरूरत होती है, काउंटर पर ज़्यादातर लड़कियाँ ही प्रेफर। कौन कौन सी जॉब जैसे यहाँ पर, जैसे क्लीनर की होगी, वेयरस, कौन कौन सी जॉब की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है मेनली? हाँ, फिलिंग की होती है, ऑन चेक आउट, ऑन ग्रीन वेजी, सो काफी टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है यहाँ पे, जॉब ड्यूटीज होती है, जॉब ड्यूटीज। और सर ने कल बताया कि क्लीनर की न्यूज़ बड़ी डिमांड करते हैं, क्लीनर का इतना पैसा बनता है, कहते क्लीनर आजकल साइक्लोन आ गया मिलते नहीं, सर कह रहे थे अगर आप वेयर एज ऑपरेटर हो गाइस, अगर आप क्लीनर हो, अगर आप जैसे मैंने कहा फ्रूट वेजी को सॉर्टेड आउट करते हो, वेजी को सॉर्टेड आउट करते हो, टिल पर काम करते, लड़के हो लड़कियां हो यहाँ पर बहुत, इवन फोकलिफ्ट ड्राइवर की बड़ी डिमांड है। लड़का लड़की ने एक और इंटरव्यू बताया, उन्होंने 5-6 लाख दोनों हस्बैंड कमा लेते हैं, मतलब कि न्यूजीलैंड तो बहुत अच्छी कंट्री है और आपके ओनर बहुत अच्छे हैं और इस शॉप पर हर चीज़ मिलती है। आप गाइस देख सकते हो ये शॉप पापा टॉय की नंबर 1 शॉप है, यहाँ पर आपको हर चीज़ फ्रूट वेजी सब मिलेगा जो जो आप एक इंडिया में भी लेकर आते हो, इवन कि फिजी का भी सामान है का, और हर चीज़ फ्रेश है। देखो ये भिंडी, देखो भिंडी देख लो कितनी फ्रेश है, भिंडी ग्रीन बीन्स कितने फ्रेश हैं गाइस, आप खुद देख सकते हैं हर चीज़ मिलती है भिंडी ग्रीन बीन्स। अच्छा बताओ रफली यहाँ पर कितना पैसा बन जाता है जब आप एवरेज काम करते हैं? बिटवीन 1 to 2 lakh, 2 to 3, जस्ट एवरेज 1 to 2 lakh आराम से बन जाता है। और लड़कियों के लिए सेफ है न्यूजीलैंड? बहुत सेफ है।
और यहाँ पर एक्सपेंसिव कितना रहने खाने पीने का भी, रेंटिंग रेंटिंग रफली कितना, अगर शेयरिंग में कोई लड़का आ रहा है, जो लड़के आपको देख रहे हैं, चार पांच लड़के रहते हैं, तो कितना पड़ जाता है रेंटिंग शेयरिंग में? रेंटिंग में हमको अगर ओनली रेंटिंग करने की भी ग्रोसरी इंक्लूड्स होती, क्लीनिंग में इंक्लूड्स नहीं होती है, तो जिसमें इंक्लूड्स होती है वो हम मान के चले कि 300 का रूम मिलता है, 300 का रूम मिल जाता है, 300 का रूम ओनली रूम जो है मैक्सिमम 200-250 ऐसे रूम देती है, क्योंकि एक अगर आप सिंगल रह रहे हो तो इतना तो एक्सपेंसिव हो गया सब कुछ, सबसे एक्सपेंसिव। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या यहाँ पर टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है अगर किसी को यहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है उसके लेवल की? एक्चुअली पहले तो नहीं था, okay. अभी इजी हो गया, इजी हो गया, अभी उन्होंने आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, okay. तो आप वहाँ पे वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। okay. गाइस एक मिनट आपको दिखाना चाहूँगा, आपने साइट पर जॉब साइट दिखाई जाए न्यूजीलैंड की, चाहे सीक है, आपने यहाँ जाकर अप्लाई करना है, आपने जॉब को अप्लाई करना है सीक पर जाकर trade.news पर, इसके लिए आपको टॉप क्लास CV और कवर लेटर चाहिए जो मुझसे बना सकते हैं, या गूगल पर फ्री फॉर्म मिलता है, जो भी लड़का वीडियो को लाइक और कमेंट करेगा उसकी फ्री एंट्री मेरे साथ USA नेक्स्ट ट्रिप पर चलेगी। चलिए बैक टू मैम के पास आते हैं, बोलो मैम क्या बात? वेल डन, 8 साल से आपने तो ABC की होगी ना, तो आपको ये गाइस आपको सारी ऐसी जितनी भी सुपर इन इनकी और दूसरी भी वहाँ पर अप्लाई करना है ना, और रिज्यूम भी आपको इंटरेस्ट स्टैंडर्ड के बनाना पड़ता है ना, न्यू इंडिया का चलता भी नहीं है। तो मैम इसके अलावा बताएं, सुपर मार्केट की हम बात की, आप बहुत खुश हो, इसके अलावा न्यूजीलैंड में कौन कौन सी जॉब की डिमांड है? 5 जैसे कंस्ट्रक्शन में एग्जाम्पल दो, किस किस की और डिमांड है? हेल्थ केयर की डिमांड, शाबाश, और किसकी है? नर्सिंग की है, हाँ कंस्ट्रक्शन की, ड्राइवर के, शॉर्टेज चल रही है, तो मतलब कि आप कहते हैं सबको आना चाहिए जो भी इंडिया से ना, अगर मेहनत आपके उसको स्किल सीख कर आना चाहिए ना, कोई भी तो ओ वाओ। तो देखो ये है मैम जो आपके लिए रोल मॉडल है, जो आपके लिए रोल मॉडल यहाँ पर खड़े हैं, 8 साल से काम करें, आपको मोटिवेट करें कि चाइल्ड केयर की बहुत डिमांड है गाइस, आपने अप्लाई खुद ही ऑनलाइन करना है, और इवन स्टडी पर भी आ सकते हैं, उसके बाद वर्क वीजा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर ये है मैम यहाँ के ओनर हैं शॉप के, तो मैम को वेलकम करेंगे, इनकी 3 शॉप है, और ये यहाँ के जो सुपर मार्केट में ये नंबर 1 शॉप है, आपको मैंने ऑलरेडी टूर दिया भी था कल के वीडियो में। मैम पहले बताएं आप इंडिया से कब फर्स्ट टाइम आई थी, और अपनी जर्नी बताएं पब्लिक को प्लीज थोड़ी सी। 2004 में जून मंथ में आई थी यहाँ पे न्यूजीलैंड में। और किस वीजा पर? मेरे हस्बैंड वर्क परमिट पे थे, ओके, वर्क परमिट पे आई थी। अच्छा 2004 में आप उनके साथ आए थे, तो शुरू में वर्क परमिट कितने साल का मिला था आपको इंडिया से? मेरे हस्बैंड को 2 ईयर का था, मुझे 1.5 का मिला था, मैं उनके 6 महीने बाद में। डिपेंडेंट पर आए होंगे जिसको ओपन वर्क, तो आपके हस्बैंड ने किस तरह कन्वर्ट किया अपनी रेजिडेंसी को 2 साल वर्क करने के बाद 2004 में जब आए थे? हाँ जी पहले हम जिस फील्ड में आए थे उसमें रेजिडेंसी, किस फील्ड में बता दो पब्लिक को, के कौन से फील्ड में आए थे उस टाइम जॉब करने? कोई बात नहीं, कारपेंटर के लिए आए थे, पर उस टाइम उसमें हमें प्रॉपर जॉब नहीं मिली, तो फिर मैंने यहाँ पे स्टडी की थी। ओके स्टडी की थी, डेयरी फार्मिंग लेवल 4 एग्रीकल्चर कोर्स किया था आपने? कोर्स किया था, तो कोर्स के बाद हमने पीआर ली थी। तो कोर्स का PR आपको, फिर उसका PR आपने ले ली कोर्स करने के बाद। अब बताओ जो आपने एम्पायर, जो देखो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये बहुत बड़ी इनकी एक शॉप है, 3 शॉप तो और भी हैं, तो सनी इनवाइट किया था, आपने जो एम्पायर 3 शॉप का खोला है, और प्लस आप इतने लोगों को रोजगार देते हैं, रोजगार देना बहुत बड़ी, मुझे पता आपकी शॉप पर 10-15 लड़के एक शॉप पर काम करते हैं, रोजगार बाद में आएंगे, पहले बताओ कि आपने 3 शॉप्स कैसे खोली और इतनी मेहनत कैसे की? ये है तो मेहनत का काम जी। पहले मेरे ब्रदर इन लॉ इंद्रजीत सिंह यहाँ पे आए थे, उसके बाद मेरे हस्बैंड 6 मंथ बाद, बाद में 6 मंथ बाद में आई थी, तो हम तीनों से पहले पीआर लेने के बाद फिर मेरी एक सिस्टर आ गई जो इंद्रजीत की वाइफ है, तो हम चारों ने काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल किया पहले शुरुआती दौर में, तो पहले 2012 में हमने एक पहली शॉप मनरेवा में ऑन की थी, ओके, तो उसके बाद हमने ये पापा टोए वाली, और उसके बाद फ्लैट बुश, और अभी पापा पूरा में 30 शॉप भी खोल रहे हैं जी, तो शाबाश। ऐसे है कि जॉब देने के साथ साथ हम खुद भी सभी प्रॉपर मेहनत करते हैं मेहनत करते हैं हाँ जी।
मैंने आपसे पूछना था आपकी शॉप पर कौन कौन सा काम, जैसे पीछे वो लड़की देख सकते कैश टिल का काम कर रही, कौन कौन सी यहाँ पर जॉब्स हैं आपके शॉप? फिलिंग वगैरह रहती है लड़कियों के लिए, और लड़के जो हैवी लिफ्टिंग का काम वो करते हैं, छोटा लड़कियाँ करती हैं, जैसे फिलिंग वगैरह, क्लीनिंग होगी, क्लीनिंग होगी, और स्टॉक ऑर्डर कैसे करना है, काउंटर कैसे करने हैं, तो वैसे कस्टमर सर्विस का वो सभी लड़कियाँ देखती हैं, और लड़के हैवी लिफ्टिंग का जो भी फोक लिफ्ट का हो गया, वेयर हाउस का हो गया ना, पैकेजिंग पिकिंग लोडिंग अनलोडिंग लड़के करते हैं। तो ये जो लड़के लड़के आपके लिए काम करते हैं, इनको हॉलीडेज भी मिलती होंगी एक दो थे ना? हाँ जी, एज पर न्यूज है ना, यहाँ पे जो लड़कियाँ वो 2 डेज हॉलीडेज लेती हैं, 5 डेज वर्किंग है, और जो लड़कियाँ वो उन पे डिपेंड करता है, कोई 1 डे लेता है, कोई 2 भी ले लेता है ओवर टाइम के, अगर ओवर टाइम करते हैं उनको पैसा बनता है। हाँ, जो आप ये काम कर रही है ना सच में बहुत अच्छा, मैंने आपके हस्बैंड को भी कहा था चलो ठीक है आपका स्ट्रगल तो खत्म हो गया। एवरेज कितना बन जाता है पैकेजिंग में अगर लड़का काम करता है आपके लिए ओवर टाइम के साथ, इंडियन एवरेज जैसे 1 से 2 लाख रफली कितनी बन जाता है उनका पैसा यहाँ पर? उनकी अर्निंग यहाँ पे अच्छी है, जो स्टार्टिंग रेट से स्टार्ट करती हैं, तो फिर उसके बाद चलो धीरे धीरे जैसे उनका एक्सपीरियंस होता है तो उसके हिसाब से फिर पे रेट भी बढ़ता जाता है, तो एनुअली वो जैसे चलते जो गवर्नमेंट का यहाँ पर का रूल है वो सभी अच्छा अच्छा कमाते हैं। आप कल विक्रम से भी आपने मिल रही थी रेंट, हाँ वो बता रहे 2 से 3 बन जाता है मेहनत के बाद, तो ये तो मैं बहुत ही खुश हूँ। क्या न्यूजीलैंड एज ए पब्लिक के लिए सेफ है, यहाँ की पुलिस फ्रेंडली है? बहुत सेफ है, क्योंकि जब 2004 में आई थी ना तब की बात करूँ तो यहाँ पे क्राइम वगैरह 0 थे, बिल्कुल ही कम था सब कुछ। अभी थोड़ा थोड़ा ये चोरियाँ वगैरह यहाँ पे लिटिल बिट होने लगी हैं, पर बाकी कंट्रियों के मुकाबले अभी भी काफ़ी क्वाइट है यहाँ पे, ऐसे क्राइम वगैरह बहुत कम होते हैं, कम होते हैं, तो पुलिस भी फ्रेंडली है। गुड, और टैक्स सिस्टम कितना एवरेज? मैं इंग्लैंड रहता 20% होता है, यहाँ भी इतना ही होगा ना, 20% टैक्स कटता होगा ना? श्योर नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और ब्रदर-इन-लॉ ब्रदर-इन-लॉ भी यही करते हैं काम, वो भी दुकान ही चलाते हैं। इंद्रजीत सिंह, हाँ, और सुरजीत सिंह मेरे हस्बैंड, तो वो भी यही शॉप, दोनों शॉप हम सभी साथ, 3 अब तीसरी भी होने वाली, अच्छा क्या चौथी भी है? मैं अगली बार आप चौथी शॉप भी है, मैं आपको गुड विशेस देकर जाऊंगा, तीसरी की ओपनिंग होने वाली है ना, तो निकल जाता है कोई बात। तो जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं रोल मॉडल देख रहे हैं, अगर वो आपके पास आना चाहे कोई पार्ट टाइम 20 आवर्स काम, क्या वो आपके साथ अपना CV लेकर आ सकते हैं आपकी शॉप पर? अभी तो जैसे नई शॉप खोलनी है तो यहाँ पे वर्क परमिट का भी वो चल रहा है, तो काफी स्टाफ नया हमने ऑन कर लिया है, कर लिया okay. एज एन फ्यूचर कोई भी वैकेंसी रहेगी तो CV छोड़ सकते हैं, CV छोड़ सकते हैं, तो ओके थैंक यू। तो पहले अभी तो स्टाफ हमने ऑन कर लिया ऑन, बिकॉज़ आपको नया स्टोर खोलना था, स्टोर खोलना था, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके फिर ही उधर लेके जाएंगे ना, हाँ नई शॉप, जगह नया स्टाफ, फिर एक साथ सब कुछ सेट करना भी हार्ड हो जाए, काफ़ी हार्ड होता है। तो गाइस ये है ओनर इस शॉप की, जिनके 3 शॉप्स हैं भगवान से, मतलब चौथी शॉप ही बने, तो ये कह रही है अपना CV छोड़ कर जा सकते हैं, अभी इनके पास रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जब भी होती है ये डेली बाय डेली चेंज होता है, कोई छोड़ जाता है कोई आ जाता है, तो गाइस आप इस शॉप पर आकर कोई भी चीज़ आपने पेपर टोन में आकर लेनी, बिस्किट से लेकर अरे आपको हर चीज़ भुजिया वगैरह सब मिल जाएंगे। तो गाइस ये था आज का वीडियो, यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। ऑन द मीन टाइम गाइस अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी ये रहा इनका शॉप, मैंने कल भी आपको दिखाया था, एंड आप जहाँ रहें सदा खुश रहें और इसी तरह मुस्कुराते हो न्यूजीलैंड और दूसरी बड़ी कंट्री में जाएं।